रहमान रहीम। आज हम हीमाटोलॉजी का मॉड्यूल स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है हीमाटोलॉजी में एनीमिया आप डिस्कस करने हैं, और एनीमिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखना है कि आइदर इट्स माइक्रो सिटिक, आइदर इट्स नॉर्मल सिटिक या माइक्रोसिटिक। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो में आपने याद रखना है आयरन वाला, आयरन डेफिशिएंसी। मैक्रो में आपने विटामिन B12 और फोलिक एसिड, और इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे आप करते हैं। B12 के अंदर सीएनएस के सिम्टम्स पॉजिटिव होते हैं और फोलिक एसिड में सीएनएस के सिम्टम नेगेटिव होते हैं। नॉर्मोसाइटिक में ब्लड लास्ट वाले एनीमियाज आते हैं, ठीक है, या हीमोलिटिक एनीमियाज। अभी हम ब्रॉडली आगे चलेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। बट वेन एवर यू लुक एट द एनीमिया तो ऑलवेज लुक एट द मॉर्फोलॉजी। अच्छा, 20 ईयर ओल्ड मतलब कि यंग लेडी है, प्रेजेंट हुई है सुवियर मेनोरेशिया के साथ और ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका 24 सेकेंड मतलब कि ज्यादा है। प्रोथ्रोम्बिन PT होता है ना, तो PT में आप E ऐड कर दें और APTT में I ऐड किया जाता है। अब ये जो पेट बनता है ना, बेसिकली ये E डोनेट कर रहा होता है कि ये एक्सट्रिंसिक जो पाथवे होता है कोगुलेशन का उसको डिफेक्ट इफेक्ट करता है, और APTT इंट्रिंसिक को। कुछ कोगुलेशन के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है कि APTT इंट्रिंसिक के लिए होता है, PT जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। PT किस ड्रग के लिए जरूरी है? वारफरिन के लिए, ठीक है, और APTT किसके लिए जरूरी है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए, एक तो इसके लिए, दूसरी अनफ्लेक्शन हेपरिन के लिए। हेपरिन के लिए APTT पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए APTT पाथवे? हीमोफीलिया के लिए, ठीक है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके हवाले से याद। आप पेशेंट का PT प्रोलॉन्ग है, समझ आपको आ रही है कि यह एक्सट्रिंसिक का कोई पाथवे का मसला है। हर कंप्लीट ब्लड कैलकुलेशन में प्लेटलेट काउंट, APTT, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। किसी मरीज का अगर सिर्फ PT डिरेंज्ड है तो आप सोचेंगे या तो इस मरीज के एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई मसला है या इस मरीज ने वारफरिन दे रहा है। वारफरिन के इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, INR चेक करते हैं। उसमें ये होता है कि PT पेशेंट का, फिर PT स्टैंडर्डलाइज होता है, उसकी रेशियो निकाली जाती है। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या अबनॉर्मलिटी होगी, आपको एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स बताऊं। फैक्टर 5 भी बेसिकली कॉमन पाथवे में आता है, फैक्टर 8 इंट्रिंसिक में आता है, फैक्टर 9 भी इंट्रिंसिक में आता है, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में आता है। फैक्टर 7 इसका बड़ा अच्छा, एक पैथोमा के अंदर निमोनिक होते होते थे कि फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है 11 को, 1, 2, 5, 10, ये सारा होता है कॉमन पाथवे। फैक्टर 7 के बाद होता है, ये होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। दिस इज एक्सट्रिंसिक, दिस इज इंट्रिंसिक, यहाँ पे फैक्टर 12, 11, 8, फिर 10। तो इस तरह अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी जिंदगी के लिए याद रखने का तरीका कि 12, 11, 8, ये सारे का सारा इंट्रिंसिक है, 7 वाला जो पाथवे है वो एक्सट्रिंसिक है, टिश्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, 1, 2 टाइम्स 2, 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो फैक्टर 10, 5, 2, 1, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं कॉमन पाथवे में। अब यहाँ पे वो आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में PT अगर प्रोलॉन्ग है तो कौन सा फैक्टर होगा? फैक्टर 7। दूसरा ऑप्शन अगर मैं कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस दिस एबनॉर्मलिटी, मैं इधर हेपरिन लिख देता, इधर रिवेरॉक्सामीन लिख देता, इधर वारफरिन लिखता, तो आपने वारफरिन को चूज करना था, ठीक है। यंग लेडी है, ER में आई है, ब्लीडिंग फ्रॉम द मल्टीपल साइट स्नेक बाइट। स्नेक बाइट आपको पता है दो तरह का होता है, या न्यूरोटॉक्सिक होता है या वेस्कुलोटॉक्सिक होता है। तो वेस्कुलोटॉक्सिक अगर होगा तो पेशेंट का बेसिकली जो APTT होता है इंट्रिंसिक पाथवे उसको डिरेंज करता है, तो पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पेशेंट का प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हाँ, बहुत लेट स्टेजेस में जाके पेशेंट का प्लेटलेट काउंट भी फॉल कर सकता है। रिस्पॉन्स आयरन थेरेपी का, व्हाट रिजल्ट विल शो द रिस्पॉन्स आयरन थेरेपी हैज स्टार्टेड। तो आयरन थेरेपी जब आप स्टार्ट करते हैं बेसिकली, तो पेशेंट का सबसे पहले रेटिकुलर साइट्स काउंट जो है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी में याद रखिएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, पेशेंट का पोटेशियम फौरन फॉल करना शुरू होता है। क्यों? नए सेल बनते हैं, वो पोटेशियम को अपने अंदर ले लेते हैं, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम फॉल कर जाता है, तो हाइपोकलीमिया में एक साइन था। लेकिन ये आपको कभी भी इसमें नहीं आएगा, FCPS में। आपने रेटिकुलोसाइट काउंट याद रखना है।
फीमेल आई है, प्रेजेंट किया है फटीग, पैलर और टिंगलिंग सेंसेशन। ओ माय गॉड, टिंगलिंग सेंसेशन। पेरिफेरल फिल्म में ओवल मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, अलार्म विद हाइपरसिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो क्या डायग्नोसिस होगा? मैंने आपको कहा था एमसीवी जब भी ज्यादा हो आपने दो चीजें देखनी है, सीनस डिफेक्ट है या नहीं। अगर सीनस डिफेक्ट है तो आपने B12 चूज करना है। तो टिंगलिंग सेंसेशन मीन सीनस डिफेक्ट है तो वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर इसी सिनेरियो में टिंगलिंग में काट देता हूँ, ठीक है, तो फिर आप क्या चूज करते? फिर मैं एक और चीज आपको सिनेरियो में कहता कि पेशेंट स्ट्रिक्ट, पेशेंट जो है वो कुक्ड फूड लेती है। कुक्ड फूड, कुक्ड फूड में क्या होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाता है। तो फोलेट डेफिशिएंसी वाज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, B12 भी होगा। 70 साल की औरत है रीनल फेलियर के साथ, बैक एक के साथ, लो ग्रेड फीवर, डायग्नोसिस क्या होगा? अब देखिए इसका निमोनिक होता है क्रैप। बी से बोन में मसला, ए से एनीमिया, आर से रीनल इश्यूज, सी से कैल्शियम लेवल ज्यादा। सिनेरियो देखिए, ओल्ड एज में जब भी ये चीजें हो तो आपने मल्टीपल माइलोमा सोचना है। रीनल फेलियर है पेशेंट को, ठीक है, थोड़ा सा गौर करें, रीनल फेलियर है। बैक एक है पेशेंट को और पेशेंट को पेलर भी है। वैसे पेलर मेंशन नहीं है, दो चीजें दी हुई हैं। ओल्ड एज में दो चीजें दी हुई, अनिमिया और कैल्शियम नहीं दिया हुआ, लाइकली आपने मल्टीपल माइलोमा सोचना। अच्छा, AML के अंदर क्या चीज दी होनी चाहिए थी? एक्यूट हिस्ट्री के साथ साथ कोई ना कोई पेरिफेरल स्मियर के अंदर वो बताता कि माइलाइड सेल नजर आए, ठीक है। CLL के अंदर वो कहता कि लिम्फाइड सेल्स नजर आए। हेरी सेल ल्यूकेमिया के अंदर वो कहता स्प्लीन इन लार्ज है पेशेंट की, ठीक है। या वो टी टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेट, TRAP, ट्रैप पॉजिटिव, ये सेल टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेट पॉजिटिव होते हैं सेल्स। हाइपरकैल्सीमिया भी होता है, स्किन के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होती, तो डिफरेंट इसके सिनेरियोस होते हैं। पेल कंप्लेशन लेडी है, थर्ड ट्रिमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी में एचबी उसका 10 पे है, हाइपोक्रेमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया नोट हुआ है। और टारगेट सेल किस किस में होते हैं? एक हेपेटाइटिस सी वायरस में होते हैं, एक थैलेसीमिया में होते हैं, सिकल सेल में होते हैं, लिवर डिजीज में होते हैं। तो थैलेसीमिया ट्रेट आप सोच सकते हैं ऑप्शन इसमें से राइट, सिर्फ टारगेट सेल थैलेसीमिया में होते हैं। 27-year-old नाइजेरियन वुमेन है, माइल्ड एनीमिया जॉन्डस स्प्लीन के साथ आई है, रिग्रेशन ऑफ सिम्टम्स आफ्टर 6 मंथ बाय द ओरल थेरेपी। तो उस पेशेंट में अगर किसी पेशेंट के अंदर याद रखें स्प्लीन एंड लार्ज हो, स्प्लीन एंड लार्ज हो, ठीक है, और पेशेंट में एनीमिक हो, तो पहला डायग्नोसिस एनीमिया और एनीमिया भी माइक्रोसिटिक हो या नॉर्मोसिटिक सोरिक, तो आपने याद में ना हाइड्रेटरी स्फीरोसाइटोसिस सोचना है। थोड़ा सा वेक सिनेरियो है, जॉन्डिस के साथ एनीमिया स्प्लीनोमेगैली शो कर रही है कि ये कोई ना कोई लाइकली हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीमोलिटिक एनीमिया में स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है। अब ये है कि प्रोबेबल डायग्नोसिस में थैलेसीमिया क्यों नहीं आता, क्योंकि थैलेसीमिया के अंदर ये होना चाहिए था कि पेशेंट का कोई ना कोई ऐसी हिस्ट्री होती कि पेशेंट सिंस चाइल्डहुड होता, एक चीज। उसमें स्प्लीन के साथ साथ हीमोलिटिक एनीमियाज भी हो सकते हैं कि माइक्रोसिटिक होता है, वो एमसीवी कम होता है। आईटीपी का कोई सिनेरियो नहीं है, आईटीपी के अंदर प्लेटलेट्स कम होते हैं, हीमोफीलिया में एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है, तो ये लाइकली हाइड्रेटेड स्फेरोसाइटोसिस है, ठीक है। दूसरी बात कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमी, आयरन से सिम्टम्स अगर पेशेंट के रिग्रेशन ऑफ सिम्टम्स आफ्टर से मतलब ओरल थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, तो फिर आप स्फेरोसाइटोसिस ही सोच सकते हैं। थैलेसीमिया में सिम्टम्स रिग्रेस भी नहीं करते। व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव? ऑटोसोमल डोमिनेंट किसका है? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसका है? हीमोफीलिया का। वैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता कौन सा है पता है? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसको आप पढ़िएगा ये क्या होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स और सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन, फाइनल कॉगुलेशन प्रोडक्ट्स, क्लॉट्स फॉर्म, ठीक है, वो कह रहा है। तो विच क्लॉटिंग फैक्टर हैज अ हाईएस्ट लाइफ साइकिल, उसका फैक्टर 2 का, और सबसे कम प्रोटीन सी का होता है, प्रोटीन सी का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा फैक्टर 2 का होता है। बीटा थैलेसीमिया डायग्नोसिस किससे कंफर्म होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ये तो बच्चों वाला एक सिनेरियो है, इसमें आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंफर्मेटरी। मैं आपको एक बात हूँ, जब भी एमसीवी कम वाला पेशेंट आए ना, तो आप ना एचपी देखते हैं साथ। किसी मरीज का अगर HP 8 है और एमसीवी उसका 40 पे गया हुआ है ना, तो नहीं बल्कि HP 10 है और एमसीवी 40 पे गया हुआ है,
तो एक अप्रोप्रिएट ना इनमें कोई कोरिलेशन नहीं है कि एचपी इतना भी कम नहीं है कि जो एमसीबी इतना ज्यादा कम हो गए। अगर एचपी 10 है भी तो एमसीबी मैक्सिमम चलो 65 तो जाता, इतना ज्यादा एमसीबी नीचे चला गया, 40 पे चला गया। इसको कहते हैं डिस अप्रोप्रिएट कोरिलेशन बिटवीन एचपी एंड एमसीबी। माइंड सेट इंडेक्स भी एक चीज होती है लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो अब इस पेशेंट में ना सस्पेक्टेड होता है कि ये थैलेसीमिया ट्रेट का, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन होता है, एक ये चीज। दूसरी बात, जब भी कोई पेशेंट ऐसा आए, अगर चेस्ट आप करते हैं फेरेटिन और टीआईबीसी, किसी मरीज के टीआईबीसी ज्यादा हो फेरेटिन कम हो, टिपिकल सिनेरियो है आयरन डेफिशिएंसी का। लेकिन अगर किसी मरीज का फेरेटिन ज्यादा हो, ठीक है एमसीबी कम है लेकिन फेरेटिन ज्यादा हो टीआईबीसी कम हो, फिर आप सोचते हैं कि यार इस मरीज को थैलेसीमिया। ये बात याद रखिएगा, टीआईबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्यादा हो तो आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आफ्टर डैड के एमसीबी कम हो तब अगली चीज। लेकिन अगर एमसीबी कम हो और टीआईबीसी पेशेंट का ज्यादा हो, फिर आप सोचोगे थैलेसीमिया, उसमें आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। मैं प्रेजेंट हुआ फटीक पे, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, कंप्लीट ब्लड काउंट में माइक्रोसिटिक एनीमिया है, तो फाइंडिंग क्या होगी? 62 में कोलोनोस्कोपी आप करते हैं इसीलिए क्योंकि आपको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, तो जी आई की ब्लीडिंग इज अ कॉज, ओल्ड एज में जी आई ब्लीडिंग इज अ कॉज। ओल्ड मैन है, एओर्टिक वाल्व उसका प्लेस हुआ हुआ है, रेड सेल काउंट उसका डिक्रीज है, शिस्टोसाइट रिपोर्ट हुए हैं और ब्लड स्मियर पे इंडिशन हिज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज एलिवेटेड। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब भी एलिवेटेड है, देखिए हीमोलिटिक एनीमिया जो होती है ना उनमें क्या होता है कि बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब हीमोलिटिक एनीमिया पेशेंट को किस वजह से है? आपको पता है दो होते हैं, या एक्सट्रिंसिक होता है एक होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि वजह जो है ना वो आरबीसीज की कोई ना कोई मॉर्फोलॉजी में कोई मसला है कि वो स्प्लीन में टूट रहे हैं, पर इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि अदर देन मतलब ब्लड वेसल के अंदर कोई मसला है। इंट्रिंसिक का ये मतलब होता है कि मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इश्यू आ रहा है। मैं इसको इस तरह कहता होता था कि बेसिकली एनीमिया दो तरह आईपी ना हिमोलिटिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक हिमोलिटिक। फिर एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एनीमिया कि क्या वजह क्या बन रही है। एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया में वजह जो होती है वो इंट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है, इंट्रिंसिक टू आरबीसीज। और इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया में जो वजह होती है वो एक्सट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है। इसको आसान और मैं पता क्या करूं कि सिकल सेल एनीमिया ना, इसमें मसला आरबीसीज की शेप के अंदर है ना, इंट्रिंसिक टू आरबीसी इशू ना, लेकिन ये एनीमिया एक्सट्रिंसिक होता है कि स्प्लीन के अंदर आरबीसीज टूट रहे होते हैं, लिवर में टूट रहे होते हैं। लेकिन एक एनीमिया है जिस तरह ऑटो इम्यून, इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन ये कहाँ पे टूटते हैं आरबीसीज? ये ब्लड वेसल के अंदर टूट रहे हैं, तो वजह एक्सट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है लेकिन टूट रहे ब्लड वेसल के अंदर होते हैं, स्प्लीन शीन में टूट रहे नहीं होते। तो ये अगर आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ आए तो ये जिंदगी पूरी के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली जो हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया में वजह इंट्रिंसिक टू आरबीसीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, फेरोसाइटोसिस जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर इश्यूज आते हैं, ठीक है ये होते हैं इंट्रिंसिक टू आरबीसीज इश्यूज। लेकिन जो होता है इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया के और ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी टूट रहे होते हैं, उसमें वजह आरबीसी के बाहर कोई ना कोई होती है, जैसा फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज बन गई आरबीसी के अगेंस्ट, या एक और वजह जो ये दी हुई है कि आपने वाल्व प्लेस कर दिया एओर्टिक वाल्व, तो जब आरबीसी उस वाल्व के अंदर से गुजरेंगे, यहाँ पे एक वाल्व है तो आरबीसी टूट रहे गुजरेंगे, वो टूटेंगे टूटेंगे तो आपको शिस्टोसाइट्स नजर आएंगे, बिलिरुबिन आरबीसी से बाहर निकलेगा, बॉडीज मिलेगा, तो ये वजह क्या है? मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन हो रही है आरबीसी की। अब अफ्रीकन फीमेल है, हिस्ट्री है अर्ली चाइल्डहुड सीवियर एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन है, नॉन हीलिंग लेग अल्सर्स हैं, एब्डोमिनल चेस्ट पेन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज सिकल सेल के अंदर? एक बात याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में एक तो शिस्टोसाइट्स नजर आते हैं, दूसरी चीज क्या नजर आती है कि चेस्ट पेन पेशेंट को होती है या अल्सर्स होते हैं। लेग अल्सर्स किसी भी अनिमिया के साथ, एक बात याद रखिएगा, लेग अल्सर्स होना तो आप टिपिकल डायग्नोसिस होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है सिकल सेल एनीमिया आप नजर आएंगे।
23-year-old वुमेन है, एपिलेप्सी के साथ आई है, डिजीज ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, अब एनीमिक भी है। एग्जामिनेशन पे स्मियर में आपको ओवल मैक्रोसाइट्स नजर आए हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉज? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसका बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको क्या पता चल गया कि एमसीवी ज्यादा हो तो सीएनएस डिफेक्ट देखते हैं। इसमें सीएनएस डिफेक्ट क्या है? नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो तो B12 की डेफिशिएंसी है, नेगेटिव हो तो फोलेट की। अब इस औरत को आप ये कहेंगे फोलेट डेफिशिएंसी इसकी एनीमिया की कॉज है, और इसलिए प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की टेबलेट भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चों में। 56 ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट की है विद हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की। 5 ईयर्स वो ट्रीट हुई थी, बट कंप्लीट ब्लड काउंट में सीवियर एनीमिया है, एज वेल एज डिक्रीज WBC काउंट और प्लेटलेट्स। क्या कह रहे हैं? HB भी कम है, WBC भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है। एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट सेल्स, बेबी सेल्स है, ब्लास्ट से याद रखें बेबी सेल्स। और कौन से बेबी सेल्स है? माइलोसाइट्स। तो लाइकली कॉज हिमोलिटिक अबनॉर्मलिटी का क्या है? दिस इज बेसिकली माइलो प्रोलिफ्रेटिव डिसऑर्डर। माइलो फिस्टिक के बजाय ना माइलो प्रोलिफ्रेटिव याद रखें। और ये कौन सा आपको लग रहा होगा? आप में से कोई बता सकता है जहन में सोचते? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हिस्ट्री है, पेशेंट 5 ईयर्स अगो ट्रीट हुआ था। हिस्ट्री में मैं कहता हूँ 4 वीक्स से ना पेशेंट को फीवर है, 4 वीक्स से, 4 वीक्स की हिस्ट्री है तो एक्यूट कोई ना कोई काज है, और ब्लास्ट सेल्स नजर आ रहे हैं तो ल्यूकेमिया है। और है कौन से ब्लास्ट सेल्स? माइलोब्लास्ट। तो कौन सा होगा? माइलाइट। ल्यूकेमिया के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी इस तरह की एक वीडियो अपलोड करता होता था ल्यूकेमिया के हवाले से। तो ये याद रखिएगा कि एक्यूट माइलाइट ल्यूकेमिया ये हमारा डायग्नोसिस होगा, ठीक है। सॉरी, ये टेक्निकल इश्यूज जब आ जाते हैं। सॉरी, ठीक है। सो दिस इज माइलो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर। यंग मेल है, प्रेजेंट हुए प्राइमरी केयर फिजिशियन में, किस माह नॉन प्रोडक्टिव कफ थी? उसको आपने एजोमैक्स दी है और वॉकिंग एनीमिया था, वॉकिंग नमोनिया था ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। ही वाज रिटर्न इन फटीग, लेबोरेटरी में क्या हुआ है? RBCs कम हो गए, पॉलीक्रोमेटोफिलिया और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब भी ज्यादा हो तो हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, हीमोलिटिक। और ये पॉलीक्रोमेटोफिलिया कब होता है? जब रेटिकुलोसाइट्स काउंट ज्यादा होता है। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मोस्ट लाइकली क्या होगा? अच्छा, जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, माइकोप्लाज्मा, इसमें हीमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और ये कोल्ड एग्लूटिनेशन ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन IgM एंटीबॉडीज बनती है। ऑटो इम्यून आपको पता होगा दो तरह का होता है, पता है आपको? ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून में क्या दो तरह का होता है, एक कोल्ड एग्लूटिनेशन, एक वार। और जो कोल्ड होती है ये बनती है IgM टाइप की होती हैं, और वार्म वाली IgG होती हैं, ठीक है। और ये IgM बनती है माइकोप्लाज्मा में, और जो IgG होती हैं वो SLE में बनती हैं या लिम्फोमास में बनती हैं। तो क्या होगा, लाइकली फाइंडिंग्स क्या होंगे इस पेशेंट में? अगर किसी पेशेंट को IgM और ये माइकोप्लाज्मा से एसोसिएटेड होता है, तो इस पेशेंट में माइकोप्लाज्मा हुआ है, माइकोप्लाज्मा के बाद IgM एंटीबॉडीज बननी है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज्यादा हो गया है। पेशेंट में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के लिहाज से कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। 35-year-old वुमेन है, फीवर है, फटीग है, म्यूकोप्रोटीनियस ब्लीड है, चेंजिंग न्यूरोलॉजिकल साइंस है, अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया, रेटिकुलोसाइट काउंट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन यूरिया का मतलब इंक्रीज है उसका रीनल फंक्शन। एक तो रीनल एबनॉर्मलिटी है, प्लेटलेट्स कम है पेशेंट के। एग्जामिनेशन में क्या नजर आया है? शिस्टोसाइट्स नजर आ रहे हैं। अब ये कोई ना कोई ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के टाइप में से है। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में एक और वैरायटी आती है जो होता है हमारे पास HUS, एक होता है TTP, ठीक है। ये हिमोलिटिक एनीमिया के टाइप्स में से आते हैं। फिर एक आपने पढ़ा ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इटसेल्फ, ये वैसे ऑटो इम्यून तो नहीं बल्कि ये जो एक्सट्रिंसिक हिमोलिसिस होते हैं ना उसकी टाइप में आते हैं। HUS हो गया, TTP हो गया, सॉरी इंट्रिंसिक,
इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, सॉरी इंट्रिंसिक नहीं, इसको कहते हैं इंट्रावेस्कुलर, सॉरी कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में HUS आ गया, TTP आ गया, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया आ गया। तो HUS में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एनीमिया होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, और CKD पेशेंट का यूरिया करेक्ट करेक्ट डिरेंज होता है, किडनी का कोई इश्यू होता है। और TTP के अंदर यही तीन चीजें होती हैं, एनीमिया होता है, विद शिस्टोसाइट्स ऑन सबमिट, पेशेंट के प्लेटलेट्स कम होते हैं, और पेशेंट का रीनल फंक्शन के साथ साथ फीवर और CNS के साइंस होते हैं, तब उसको TTP कहते हैं। तो इस पेशेंट को कोई CNS के साइंस नहीं है, बल्कि ये ट्रायड पूरा हो रहा है। तो इस पेशेंट में आप क्या, बल्कि अगर हम देखें इसके न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं, कुछ चेंजिंग न्यूरोलॉजिकल साइंस मेंशन है, तो फिर आप क्या सोचेंगे इसमें, इसमें क्या है, TTP है, पेंटेट फुल हो रहा है हमारा ये वाला। तो ये इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस की टाइप है, मैंने उसको कहा ना इंट्रिंसिक हिमोलिसिस कह रहा है, इंट्रिंसिक नहीं, उसको इंट्रावेस्कुलर कहते हैं, सॉरी मेरे से मुंह से गलती से निकल गया। 25 ईयर ओल्ड मेल है, लाइफ लॉन्ग हेमरेजिक डायसिस है, PT ब्लीडिंग टाइम सब नॉर्मल है, बस APTT पेशेंट का ज्यादा है, APTT ज्यादा है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे में कोई ना कोई मसला है। तो लाइकली कॉज क्या है, इसमें से कौन कौन सा इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, Factor 9 होता है, Factor 7 तो बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, Factor 8 या 9 में से कौन सा बच जाता है। अब ये एक बात याद रखिएगा, अगर मेल के अंदर, क्योंकि X-linked रिसेसिव होता है ये, तो 9 वाला जो है वो क्रिसमस डिजीज होता है, वो इतना सवियर प्रेजेंट नहीं करता, ज्यादा प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में हीमोफीलिया होता है, तो लाइकली Factor 8 डेफिशिएंसी, ठीक है। APTT दोनों में डिरेंज होता है, Factor 9 की डेफिशिएंसी में, Factor 8 की, लेकिन हमारी प्रेवलेंस ज्यादा Factor 8 की है। 14 ईयर ओल्ड मेल है, गर्ल है, प्रेजेंट हुई है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम द वूंड, माइनर ट्रॉमा, सीवियर हेमरेजिया, फैमिली हिस्ट्री रिवील दैट द फादर आल्सो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम फ्रॉम वूंड्स एंड माइनर ट्रॉमा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब एक लड़की को भी मसला है, उसके बाप को भी मसला था, तो ये कोई ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल में याद रखना है वॉन वलेपरिन डिजीज आ जाता है, तो लाइकली डिसऑर्डर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ वॉन वलेपरिन, ऑटोसोमल में वॉन वलेपरिन सोचना आपकी। 60 ईयर ओल्ड क्रोनिक अल्कोहलिक है, अपर जी ब्लीड के साथ आया है, डिस्पाइट प्रोलॉन्ग पंपिनेट ब्लीडिंग परसिस्टेंट, कोगुलेशन डिफेक्ट रिलेटेड टू सस्पेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी इज हाईली कंसिस्टेंट, तो जो सिरोसिस वाला पेशेंट होता है इसमें सब क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट वन, सॉरी ये मेरे छोटा पेशेंट मेरी बेबी है, तो वन सारे क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है अल्कोहलिक पेशेंट में, ठीक है। तो अल्कोहलिक्स में आपने याद रखना है सब क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है इंक्लूडिंग वॉन वलेपरिन फैक्टर। 55 ईयर ओल्ड वुमेन विद क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस अंडरगोस कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट बिफोर सर्जरी, पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट PT, APTT are found to be prolonged. PT भी जाता है और APTT भी. Which of the following is most likely cause of coagulation factor? अब देखें, क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के अंदर ना, क्रोनिक में पेंक्रियाज की सिक्रेशन क्या हो जाएंगी, कम, फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हो जाएंगे, कम। अब इस पेशेंट का नाम PT एंड APTT are found to be prolonged. अच्छा, विटामिन के की वजह से तो पेशेंट का PT ज्यादा हो जाएगा, ज्यादातर ना PT ज्यादा हो जाएगा, मेरे हाल में APTT इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तो थोड़ा सा क्लॉटिंग फैक्टर का मसला आता जरूर है, लेकिन PT रेंज का थोड़ा सा ये सिनेरियो गलत बन गया, APTT विल बी नॉर्मल। तो लाइकली कॉज क्या है, फैट मैल एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन के डेफिशिएंसी। मैन अंडरगोस कीमोथेरेपी लंग कैंसर के लिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जनरलाइज्ड फटीग, ECG नॉर्मल है, बट हिमेटोक्रेट उसका कम है, बहुत ज्यादा कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली अप्रोप्रिएट। अच्छा, लंग कैंसर के पेशेंट हो या कोई भी कैंसर के पेशेंट हो ना, उनमें अगर एनीमिया हो तो कहा ये जाता है कि उन पेशेंट को अगर आप रिथ्रोपोइटन देना तो वो रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं। एक और कौन सा पेशेंट होता है जिनमें रिथ्रोपोइटन बड़ा इफेक्टिव होता है, एनीवन कैन टेल मी? CKD, CKD के पेशेंट में रिथ्रोपोइटन बहुत इफेक्टिव होता है। अब ये ओबीस वुमेन है, इमरजेंसी में आई है, कंसर्न हस्बैंड 1 आवर आफ्टर कंप्लेनिंग कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन, नॉसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ECG कार्डिक एंजाइम इंडिकेट, मायोकार्ड इन्फेक्शन, तो बेस्ट कोर्स क्या होगा। अब देखिए, आपको पता होगा कि प्लाज्मिनोजन गैस कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन, और प्लाज्मिन क्या करता है, क्लॉट्स को डिग्रेड करता है, ठीक है।
तो इसको एक्टिवेट करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इसकी एक एग्जाम्पल है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दें मरीज को, या मरीज को रेल्टीप्लेस दें या एटीप्लेस दें। ये दोनों क्या करते हैं, मैं दोबारा आपको आसान करके समझाता हूँ कि प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में, प्लाज्मिन क्लॉट को डिग्रेड करता है किसी भी ब्लड वेसल में अगर बना हुआ है। तो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो स्ट्रेप्टोकाइनेज चाहिए या रेल्टीप्लेस। तो इसीलिए आप उसने क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंटी कोगुलेंट है, तो वो रेल्टीप्लेस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एक तो सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर ये यूज होते हैं, इसके अलावा कहीं आपने देखे हैं यूज होते हुए ये क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए? और किस तरह के क्लॉट बनते हैं? गुड, एक्सीलेंट। सीएनएस के अंदर क्लॉट मान सकते हैं, स्ट्रोक होता है पेशेंट को तब आप दे सकते हैं, और कब देते हैं? परमा कैथ पता है? परमा कैथ ये डायलिसिस वाले मरीज को लगी होती है, उनको दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप मुझे बता सकते हैं इसका एंटीडोट क्या होगा? अगर किसी मरीज को आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा दी है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कोई ऐसी चीज है जो इस पाथवे को इनहिबिट करती हो? एनीवन? गुड, एक्सीलेंट। ट्रांसएनमिक एसिड, ठीक है। और इसको ये किस नाम से आती है ड्रग? ट्रांजामीन। ये जो जब भी ब्लीडिंग हो रही होती है कहते हैं फौरन लाओ ट्रांजामीन, लाओ ट्रांजामीन, लाओ। क्या करते हैं ट्रांजामीन? 2 ग्राम ट्रांजामीन आईवी स्टेट लगवाते हैं। कुछ डॉक्टर वैसे 5 mg टीडीएस में स्टार्ट कर देते हैं। तो आप बेसिकली इस पाथवे को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया, यंग कपल आया है प्राइमरी केयर फिजिशियन में, कंसीव करना चाह रहे हैं, दे वुड लाइक टू नो इफ द फ्यूचर मॉम टू बी नीड्स टू एनी सप्लीमेंट, तो अलॉन्ग विद रिकमेंडिंग मल्टीविटामिन फोलिक एसिड के अलावा और किस चीज की जरूरत होगी? प्रेगनेंट वुमेन डेवलप्स आयरन डेफिशिएंसी, बिकॉज क्यों उनमें आयरन डेफिशिएंसी की कमी होती है प्रेगनेंसी में? असल बात ये है, साड़ी ऊपर से काटते हैं तो वजह ये होती है कि आयरन की डिमांड ज्यादा हो जाती है बच्चों वाला एमसीक्यू सा। अगला क्वेश्चन, आपसे इतनी बड़ी स्टैम्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म क्या है एरिथ्रोपोइटिन का? इंक्रीज करता है प्रोलिफ्रेशन एरिथ्राइट्स की बोन मैरो में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कहाँ से होता है? पेरी ट्यूबुलर सेल से, पेरी ट्यूबुलर, ओहो, पेरी ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है। 40-year-old मेल मॉर्बिडली ओबीज है, अंडरगोज गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी टू हेल्प हर लूज वेट, सर्जन रिमाइंड्स हर दैट नाउ शी विल हैव टू गेट मंथली इंजेक्शन विटामिन B12 सिंस द पार्ट ऑफ द हर स्टमक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन हैज बीन रिमूव, कि आप उसके पैराइटल सेल्स लॉस हो गए। अबाउट विटामिन B12 के क्या है, क्या बात इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B12 जब भी कमी होती है तो पेशेंट के DNA की रिप्लिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें CNS डिफेक्ट आना शुरू हो जाती है, बच्चों वाला MCQ है। अगला क्वेश्चन ये है, फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की क्या वजह प्रेगनेंसी में? तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया था पहले। और सिकल सेल एनीमिया का सिनेरियो है कि पेशेंट आपके पास आई है सिकल क्राइसिस के अंदर, शी डज नॉट मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको क्राइसिस में बार बार चले जाते हैं सिकल सेल, तो इमरजेंसी में आप उसको क्या, अच्छा, इमरजेंसी फिजिशियन लाइकली टू प्रिस्क्राइब। इमरजेंसी वाला जो होता है ना, वैसे उस वक्त आप उस पेशेंट को, मैं आपको एक पेन विच पेन मेडिकेशन है ना, तो उसको एसिटोमाइनोफिन या एनएसिड्स, एनएसिड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर इन एनएसिड्स की तरफ आप जाते हैं, लेकिन अगर आप पे ना लॉन्ग टर्म, यहाँ पे इमरजेंसी के लिए लॉन्ग टर्म होता हो तो फिर हाइड्रोक्स यूरिया होता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जब ईआर में आते हैं ना तो आप फौरन नॉर्मल सलाइन अटैच करते हो, पेशेंट को पेन किलर लगाते हो, प्रोबास हो गया जिस तरह, या ये डाइक्लो का इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोक्स यूरिया तो आप ऑनकोलॉजी के पास देते हो तब वो लगाते हैं। ये बड़ा पेक्यूलर सा क्वेश्चन था, विच मेडिकेशन ऑनकोलॉजिस्ट पेशेंट को देगा अलॉन्ग विद प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन? ये असल में कैंसर का पेशेंट था, तो उसका वाइट ब्लड सेल काउंट, HB चेक टू मेक श्योर दैट शी इज नॉट एक्सपीरियंस कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड साइटोटॉक्सिसिटी, क्या उसके ना लेवल चेक किए जाते हैं ब्लड में, तो प्लेटलेट काउंट उसका ना बहुत कम आया है इस कीमो से पहले, तो प्लेटलेट्स को वो पूछना चाह रहा था आपसे कि कौन सी इनमें से ड्रग है वो प्लेटलेट्स को ज्यादा करती है। तो पहले आपको बाकियों का तो बताओ, फिलिक्रिस्टिन किसको ज्यादा करती है? WBCs को, एरिथ्रोपोइटिन RBCs को, ये मुझे याद नहीं आ किसको करती है, ल्यूकोवायरिन भी RBCs को ज्यादा करती है, ये ज्यादातर मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में दी जाती है, तो ये जो ऑप्रोलिबिकन है ये दी जाती है प्लेटलेट्स के साथ, ठीक है।
क्वेश्चन है, हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतने बड़े सिनेरियो के बाद लिखा हुआ है, तो हेपरिन क्या करता है? बेसिकली एंटी थ्रोम्बिन 3 के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। और हेपरिन किसको डिरेंज, हेपरिन के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एपीटीटी या पीटी? एपीटीटी। गुड। 45 कंप्लेन इजी फिटिकबिलिटी सीपी में एचबी उसका 7 है, एमसीबी बहुत ज्यादा आया है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट 1% है, तो डायग्नोसिस क्या होगा अगर किसी पीसी का एमसीबी ज्यादा हो? सीनस डिफेक्ट अब इसमें नहीं मेंशन, तो फोलिक एसिड हो सकता है या मेगालोब्लास्टिक। पहले तो मेगालोब्लास्टिक है ना, उसमें दो है, यहाँ फोलिक एसिड या B12। तो इस पेशेंट की कोई डिफेक्ट नहीं दिए हुए, तो लाइकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको ना एक, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता है आपको ये पसंद आएगा, थोड़ा सा ना आपको मैं बताता हूँ एक चीज, सॉरी आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू ना एक चीज यहाँ पे, ताकि आपको पूरी जिंदगी के लिए याद रहे। देखिए, जब भी अनिमिया आपके पास ना एज अ मेडिकल ऑफिसर आए ना, अगली चीज आपने एमसीवी देखनी है। एमसीवी अगर किसी मरीज का कम हो ना, तो इसका निमोनिक होता है टेल्स। टेल्स में क्या है, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेड पॉइजनिंग और सिडरोब्लास्टिक। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप ये दो एनीमिया बहुत ज्यादा देखेंगे, थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी, और आपके एफसीपीएस एग्जाम में भी ये एमसीक्यूज होंगे। तो अगर पेशेंट का टीआईबीसी ज्यादा होना तो ये सोचना है, अगर टीआईबीसी कम हो तो ये सोचना है। और इसमें अगला टेस्ट आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना। अब किसी मरीज का अगर एमसीवी नॉर्मल आ जाए, इसको बाद में करते हैं, अगर एमसीवी ज्यादा आ जाए तो फिर क्या सोचना है, मेगालोब्लास्टिक। उसमें दो है, अगर सीएनएस डिफेक्ट पॉजिटिव है, सीएनएस डिफेक्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो B12 है, नेगेटिव है तो फोलेट। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ना मुश्किल चीज भी आती है। अब जो एमसीवी नॉर्मल होता है ना, मतलब कि 80 से 100 के दरमियान, इसको नॉर्मोसेप्टिक कहते हैं। नॉर्मोसेप्टिक में आगे दो टाइप्स होती हैं, या वो बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया के होते हैं, ठीक है, मैं हीमोलिटिक के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, वैस्कुलर होते हैं, इंट्रा वैस्कुलर या वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर होते हैं। एक्स्ट्रा वैस्कुलर का क्या मतलब है, स्प्लीन में टूट रहे होंगे, लिवर में टूट रहे होंगे। इंट्रा वैस्कुलर का मतलब है कि अंदर टूट रहे होंगे ब्लड वेसल में। और एक और चीज, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ होता है ना हिमोलिटिक का, जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर होते हैं ना, उसकी वजह आरबीसी की इंट्रिंसिक होती है। आरबीसी के अंदर कोई मसला होगा तब ये एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस होगा, पर इंट्रा वैस्कुलर की वजह आरबीसी के बाहर कोई होती है। ये 1 मिलियन का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ जाए कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस इज समथिंग एल्स बट मैकेनिज्म इज समथिंग एल्स। अब इसको मैंने आपको मिसाल दी थी कि इंट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस में वजह आरबीसी के बाहर होती है, कि आरबीसी टूट रही ब्लड वेसल के अंदर है। तो ये एग्जाम्पल इसकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आपने एक पढ़ा आईजीएम पेशेंट की पॉजिटिव है, नहीं सॉरी, पेशेंट को माइकोप्लाज्मा का नमोनिया हुआ है, आईजीएम पॉजिटिव आई है, तो पेशेंट में क्या होगा, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये पढ़ा ना अभी आपने, या इसमें HUS है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या इसमें TTP आ जाता है, ठीक है। उनमें मैंने आपको बताया कि अगर किसी मरीज को अनीमिया हो, 7 प्लेटलेट्स कम हो, 7 पेशेंट को रीनल फंक्शन हो, ठीक है, RFTs पेशेंट के डिरेंज हो, तब आपने हीमोलिटिक अनीमिया यूरेमिक सोचना है। अगर इन्हीं के साथ साथ फीवर ऐड हो जाए और CNS के सिम्टम्स ऐड हो जाए, तब TTP सोचना है। ये सारे एक्स्ट्रा इंट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो कि आपके इन एमसीक्यूज में नहीं आई लेकिन आपको कहीं ना कहीं आएगी, कैसे किसी और एक्स्ट्रा वेस्कुलर को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर में मसला मसला आरबीसी के अंदर होता है, उसमें मेम्ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं आरबीसी की, लाइक सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सॉरी सॉरी सिरोनी, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये मसला हो सकता है, या कोई और एग्जाम्पल सिकल सेल हो सकता है। गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि मरीज को इंट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस है या एक्स्ट्रा वेस्कुलर, कोई बता सकते हैं, कोई मार्कर ब्लड के अंदर? जब भी इंट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होता है ना, तो सीरम हेप्टोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं, और जब भी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होता है ना, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा होता है, LDH ज्यादा होता है और गॉल स्टोन्स होते हैं।
अगर आपको ये याद हो गया, मेरे YouTube चैनल में मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, वरना ये एक 1 मिलियन कॉन्सेप्ट आपके लिए याद रखिएगा। मैंने आज भी इस पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग हिमोलिटिक, होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।